ज्ञान सागर एजुकेशनल ग्रुप प्रेजेंट्स ई स्कूल। लेट्स हैव सम कॉन्वर्सेशन। फर्स्ट इज पीपल अराउंड अस। चिल्ड्रेन टेल मी हु इज ही। यस, फायर फाइटर। हु पुट्स आउट द फायर? जब कहीं आग लग जाती है तो हमारी हेल्प करने के लिए कौन आता है? यस, फायर फाइटर पुट्स आउट द फायर। नेक्स्ट इज हु ट्रीट्स अस व्हेन वी आर सिक। जब हम बीमार होते हैं तो हमारा इलाज कौन करता है? यस, डॉक्टर। डॉक्टर ट्रीट्स अस व्हेन वी आर सिक। नेक्स्ट इज हु टीचेस अस? यस, द टीचर टीचेस अस। नेक्स्ट इज हु गार्ड्स आवर हाउस? जब हम घर से कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे घर की देखभाल कौन करता है? यस, वॉचमैन। वॉचमैन गार्ड्स आवर हाउस। नेक्स्ट इज हु कट्स आर हेयर? हमारे हेयर्स कौन कट करता है? यस, बार्बर कट्स आर हेयर। नेक्स्ट इज हु ग्रोज फूड फॉर अस? हमारे लिए अनाज कौन उगाता है? यस, फार्मर। फार्मर ग्रोज फूड फॉर अस। Who repairs our water pipes? जब water pipes में कुछ problem होती है तो उसे सुधारने के लिए हम किसे बुलाते हैं? Yes, plumber. Plumber repairs our water pipes. Next is, who builds our house? हमारे घर कौन बनाता है? आपने देखा है घर बनते हुए किसी का? यस, तो वो कौन बनाता है? मेसन। मेसन बिल्ड्स आर हाउस। नेक्स्ट इज हु मेक्स फर्नीचर फॉर अस? हमारे लिए फर्नीचर कौन बनाता है? यस, कारपेंटर। कारपेंटर मेक्स फर्नीचर फॉर अस। नेक्स्ट इज हु मेंड्स आर शूज? हमारे शूज़ कौन बनाता है? जब हमारे शूज़ फट जाते हैं तो हम किसे सिलवाने के लिए जाते हैं? यस, कोबलर। कोबलर मेंड्स आर शूज़। नेक्स्ट इज नेम सम प्लेसेस अराउंड अस। हमें उन जगहों के नाम बताने हैं जो हमारे आसपास होती हैं। हॉस्पिटल, स्कूल, होटल, एयरपोर्ट, मार्केट, बैंक एंड कैफे। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे घर के आसपास होती हैं। दिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप। नाउ टेल मी विच प्लेस इज दिस? यस, दिस इज अ टेम्पल। हु वर्शिप्स इन अ टेम्पल? मंदिर में पूजा करने कौन जाते हैं? यस, हिंदूज वर्शिप इन अ टेम्पल। नाउ टेल मी विच प्लेस इज दिस? यस, दिस इज अ मॉस्क। हु वर्शिप्स इन अ मॉस्क? मुस्लिम्स वर्शिप इन अ मॉस्क। विच प्लेस इज दिस? यस, दिस इज अ गुरुद्वारा। Who worships in a Gurudwara? Sikhs worship in a Gurudwara. Next, which place is this? Yes, this is a church. Who worships in a church? Christians worship in a church. So children, what did we learn today in this video? People around us.
places around us and places of worship. Have a nice day.